तो मैं आपको बता दूं उस ग्राउंड में टोटल अब तक का मैच 26 हो चुके हैं जो आई के ही मैच हैं जो कि पहले बैटिंग करने वाला का वहाँ पे पड़ रहा भारी होता है सेकंड बैटिंग करने वाला का पड़ रहा थोड़ा सा लूज होता है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं कुमार चंदन आपके अपने चैनल प्लेइंग क्रिकेट सीखने में हार्दिक स्वागत है दोस्त आज हम बात करने वाला हूं आईपीएल के बारे में क्योंकि दोस्त आप लोग को पता होगा कि आज 19 तारीख है और आज का मैच चेन्नई और मुंबई के बीच में होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम विनर रह चुके हैं और इनमें काफी दोनों टीमों में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं तो उसी के ऊपर पूरा ड्रेस वीडियो लेकर हूँ कि कहाँ मैच है और पिच कैसा होगा पेसर का वहाँ क्या रिकॉर्ड है स्पिनर का क्या रिकॉर्ड है टोटल मैच वहाँ पे कितना हुआ है और कौन पहले बैटिंग करने वाला जीता है और कौन बाद में बैटिंग करने वाले जीता तो पूरा डिटेल्स वीडियो आप लोग को लेकर आऊँ तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने से

दीपक चहर इमरान ताहिर और हेजलवुड ये दोस्त जो मैं आप लोगों को प्रो वेबल इलेवन बताया जिसमें ए में बारह प्लेयर का मैं नाम बताऊँ जिनमें से ग्यारह प्लेयर खेलते हुए नज़र आपको आ सकते हैं अब मैं बात कर लेता हूं मुंबई इंडियंस के बारे में कि मुंबई इंडियन का प्रो वेबल इलेवन क्या हो सकता है क्या होगा उसी के बारे में आपको टीम लिस्ट आपको बताता हूं मुंबई इंडियंस से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं आज के टीम में डिकॉक रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव ईशान किशन किरण पोलाड कुराल पांड्या हार्दिक पांड्या जेमी निशम कुल्टर नाइल राहुल चहर ट्रेंट बॉल जसप्रीत बुमराह दोस्तों ये है मुंबई इंडियंस के प्रो एवल इलेवन जो कि इनमें से आपको इलेवन प्लेयर खेलते हुए नज़र आ जाएंगे तो दोस्त अब मैं बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में और वहाँ के किसका रिकॉर्ड कैसा है उसी के बारे में टोटल बात करने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूँ उस ग्राउंड में टोटल अब तक का मैच छब्बीस हो चुके हैं जो आई के ही मैच हैं जो कि पहले बैटिंग करने वाला का वहाँ पे पड़ रहा भारी होता है सेकंड बैटिंग करने वाला का पड़ा थोड़ा सा लूज होता है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो टोटल मैच छब्बीस हुआ है जिसमें से मैच ऑन बाय द टीम बैटिंग पर जो पहले बैटिंग किया है उसमें से सोलह मैच में से चौदह मैच पहले बैटिंग करने वाला जीता है और जो कि दो मैच आपको सुपर ओवर तक गया है और मैं आपको बता दूं कि मैच ऑन बाय द टीम बैटिंग सेकंड जो कि सेकंड इनिंग में जो बैटिंग किया है वो दस में से नौ जीता है और उसका एक मैच वो सुपर ओवर तक गया है टोटल मैच यहाँ पे दोस्तों टाई तीन मैच हो चुका है और हाईएस्ट टीम स्कोर की बात किया जाए जो कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम है वो बनाई है सनराइजर्स हैदराबाद ने दो रन बनाया है दो विकेट के नुकसान पर डीसी के अगेंस्ट जो कि हाईएस्ट स्कोर आपको वहां पे देखने को मिला था 2020 में और जो बैटिंग सेकंड इनिंग करने वाला है जो कि मुंबई इंडियन ने दो एक रन बनाया था दो विकेट के नुकसान पर चेजिंग आर इस टीम स्कोर की बात किया जाए तो बैटिंग करते हुए पहले जो दिल्ली है दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स से जो 110 रन बनाया था नौ विकेट के नुकसान पर मुंबई के अगेंस्ट लोएस्ट टीम स्कोर की बात की जाए तो वाइल्ड बैटिंग सेकेंड इनिंग जो कि जो कि बैटिंग सेकेंड इनिंग जो बनाया था आर जो कि एक रन बनाया था दस विकेट के नुकसान पर मैं आपको बिगेस्ट टोटल चेस मैं बता दूँ तो सी चेस पंजाब एक किया था दुबई क्रिकेट स्टेडियम एवरेज फर्स्ट इनिंग का आपका आई में एक है जो आपको दुबई क्रिकेट जो आपको दुबई क्रिकेट स्टेडियम एवरेज सेकेंड इनिंग में आपको देखने को मिला था एक और मैं आपको बता दूं यहां पर जो पेसर है वो टोटल पेसर विकेट एक ले चुके हैं और स्पिनर 95 फाइव यानी कि पंचानवे ले चुके हैं तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ स्पिनर के मुकाबले पेसर का यहाँ ज़्यादा दबदबा रहता है क्योंकि पेसर एक लिए हैं और स्पिनर 95 फाइव यानी कि पंचानवे लिए हैं दोस्तों हाईएस्ट स्कोर की बात किया जाए तो यहाँ पर के राहुल ने एक रन बनाया था उनहत्तर बॉल पर जो कि आर के खिलाफ तो ये थी दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड की ओवरऑल रिकॉर्ड जो कि दो में आपको देखने को मिला था तो दोस्त इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहले बैटिंग करने वालों, करने वालों के क्या होने वाला है और बाद में बैटिंग करने वालों का क्या होने वाला है और यहाँ पे कैसा ट्रैक है क्या विकेट है और आपको बॉलर मीडियम पेसर यहाँ पे हावी हो सकता है या फिर स्पिनर हावी हो सकता है यह था पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड में जो आप लोगों के सामने शेयर किया आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर दिया तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और जो भी क्रिकेट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगा मेरे को कमेंट करना मैं आपको उसका रिप्लाई देने का फुल कोशिश करूंगा दोस्त ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिया तो ठीक है दोस्त तब तक के लिए जय हिंद